नमस्कार, सच कहूं मैं आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ककर्ण। जिस तरीके से आपको पता है दोस्तों कि पूरे देश में कोरोना को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसे जो चौथा लॉकडाउन है उसे भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसी बीच बहुत सारे रियायतें ढील जो है सरकार ने दी है। और सच कहूं लगातार आप तक जो है विशेषज्ञों की विचार और उनके सुझाव आप तक लेकर आ रहा है। मुझसे कई जो है अभिभावक हैं उन्होंने बात की और कुछ स्टूडेंट्स ने बात की कि किस तरीके से इस लॉकडाउन के दौरान चूंकि वे घर पर हैं तो वो अपनी शिक्षा को आगे किस तरीके से लेके जा सकते हैं, स्किल कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने। तो इसी के मद्देनजर मैंने आज एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है सच कहूं पे। मेरे साथ आज प्रवीण शर्मा जी हैं। प्रवीण शर्मा एक एजुकेटर हैं और पिछले 13 साल से कम्युनिकेशन स्किल्स का ज्ञान जो है विद्यार्थियों को लगातार दे रहे हैं। आप जो है कुरुक्षेत्रा से बिलोंग करते हैं लेकिन आपने बहुत यूनिवर्सिटीज में अब तक छोटी उम्र में ही बहुत जो है बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ आपने काम किया है और इसी के साथ साथ आप ब्लॉगर भी हैं, पोएट भी हैं, राइटर भी हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो स्पेशल ट्रेनिंग है वो भी आप जो है एक्सपर्ट हैं उसमें, वेरियस इनोवेटिव जो टूल्स हैं उनमें आप स्पेशलिस्ट हैं जैसे मूडल, मॉक्स, LMS, ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स, पॉडकास्ट, ग्राफिक्स इन एजुकेशन, ब्लॉगिंग, एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस, OERS और इसके साथ साथ और बहुत सारी टेक्निकल चीजें जो विद्यार्थी के जीवन में आज बहुत जरूरी हैं, उसे अपने करियर के लिए बहुत जरूरी हैं, उनमें जो है प्रवीण शर्मा जो है एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ साथ आप जो है बच्चों के साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग भी करते हैं और बाकी बातें जो है, बाकी चीजें जो है खुद शर्मा जी से जानेंगे। प्रवीण सर, आपका सच कहूं मैं बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, आपसे जुड़ने के लिए मैं ये कहूँ और दर्शकों से बात करने के लिए मुझे ये मौका मिला, ये अवसर दिया आपने, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। जी 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 प्रवीण जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि मौजूदा जो कोरोना का दौर है इसमें आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है? जी देखिए, साथियों की दुआओं से और जो सावधानियां हम लोगों तक पहुंचाई गई उनके जरिए हम लोग सुरक्षित हैं। अभी तक कुरुक्षेत्र भी काफी हद तक सुरक्षित है। थोड़ा बहुत जो आ रहा है अभी संक्रमण हो रहा है तो वो धीरे धीरे नियंत्रण में लाया जा रहा है, तो हम लोग भगवान की दया से, बड़ों के आशीर्वाद से अभी सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। जी जी बहुत बढ़िया प्रवीण जी। प्रवीण जी, जिस तरीके से मौजूदा जो समय है ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा चीजें हमारे सामने आई हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पूरी दुनिया में हवाई यात्रा बंद हो जाएगी, रेल्स बंद हो जाएंगी और बसें बंद हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएगा, लोगों को घरों में रहना पड़ेगा। ये पहली दफा जो है शायद इससे पिछली जो है पीढ़ी उसने देखा हो कुछ ऐसा, लेकिन जो मौजूदा पीढ़ी है या मौजूदा जो दौर में लोग हैं उन्होंने ऐसी चीजें कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो इस दौर में जो है सबसे ज्यादा जो है अगर स्टूडेंट्स की बात करें उन्हें दिक्कत यही आ रही है कि वो अपनी पढ़ाई को किस तरीके से जारी रखें, कैसे नई चीजें डेवलप करें। उसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल है कि मौजूदा समय में जो कॉलेज स्टूडेंट है खासतौर पर वो काफी कंफ्यूज हैं कि स्टडी को लेकर सरकार संस्थाएं चूंकि ऑनलाइन व्यवस्था कर रही हैं लेकिन ये चीजें नाकाफी साबित हो रही हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और आप इसमें क्या सुझाव देंगे? जी अनिल जी, देखिए भारत जो है एक युवाओं का देश है, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि जो 65% से ज्यादा हमारे पास अगर युवा हैं तो उसका ये अर्थ हो जाता है कि या तो वो नौकरी में हैं, लेकिन ज्यादातर उनमें से वो हैं जो एनरोल्ड हैं अपनी डिग्रीज के लिए, जो यंग एज, जो बिलो बियॉन्ड द टीन एज जिसको हम बोल सकते हैं। तो चुनौतियों का तो एकदम से समय आ गया है क्योंकि हम लोग कभी इस चीज के लिए तैयार थे ही नहीं। और आपने भी जाना होगा, हम सब ने भी, कि बड़े बुजुर्गों ने ये बताया कि ऐसा इतनी तरह से, इस तरह से रुकना तो विश्व का उन्होंने भी नहीं देखा है। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर एक आप लॉकडाउन कहिए चाहे उसको ये कहिए कि सब कुछ अंडर मेंटेनेंस चला गया हो, इतनी इस तरह से बंद हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब उसमें आता है हमारे जीवन का, जैसे समाज, धर्म, ये सब चीजें एक जरूरी हिस्सा होती है, शिक्षा उसके बराबर का जरूरी हिस्सा है। और शायद ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ने में ज्यादा समय देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा पढ़ाई में होती है परिवारों की, जो जो आजकल होती है। युवाओं को इस वक्त जो एकदम से, मैं यूं कहूं कि एकदम से लॉकडाउन में जाना पड़ा, और वो भी वो समय रहा देखो अनिल जब एग्जाम होने वाले थे, चाहे आप 11th 12th का मानिए, तो इस समय पर जब वो एग्जाम देके या तो नौकरियों के लिए जाते या इंटर्नशिप्स के लिए जाते, उन लोगों को एकदम से अंदर जाना पड़ा। और फिर उसके बाद चुनौती ये भी कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो उस तरह से अच्छा है क्लासरूम के लिए, बट टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग एडवांस थे ही नहीं इतनी तैयारी के साथ कि ऑनलाइन एकदम से नहीं संभाल पाए। मैंने ये ऑब्जर्वेशन ली क्योंकि जब टीचर्स की वर्कशॉप्स हम लोग कर रहे हैं कंडक्ट, पूरे इंडिया में चल रही हैं इस वक्त,
मैं कई जी हजार टीचर्स के साथ इस तरह से जुड़ चुका हूँ, तो जी महसूस हुआ कि वो जो गैप है उस गैप को हम लोग कैसे लेते हैं कि यंग जनरेशन डिजिटल नेटिव्स हैं और दूसरी जनरेशन जो और है मेरी जैसी भी, मैं मान लो वो डिजिटली इमिग्रेंट्स हो गए, तो वो चुनौती ओके सबके साथ आ गई। तो वो सबके चुनौती साथ आ मैं गई। तीन स्तर पर मानता हूँ। तीन स्तर कौन से हुए? एक तो वो स्तर हुआ जो स्कूली बच्चों का स्तर है, जिनको इंस्ट्रक्शन से पढ़ाना पड़ता है, जी जो जो डायरेक्ट से पढ़ते थे। फिर दूसरा स्तर हो जाता है ग्रेजुएशन के उन बच्चों का जो पार्टिसिपेशन से पढ़ते थे, उसमें आप टेक्निकल प्रोफेशनल सब कोर्सेज मानिए, लेबोरेटरीज का कितना जरूरी हिस्सा जी होता है, प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल का होता चीज है। है। जी जी बिल्कुल हाँ, तीसरा हिस्सा उन लोगों का है जो अपने ग्रेजुएशन के लगभग फाइनल ईयर्स में थे, और वो लोग या तो अपनी फाइनल ट्रेनिंग्स में थे और जॉब्स के लिए जाने वाले थे। तो ये जी तीन, मैं तीन हिस्सों में बांट पाया हूँ जिन लोगों को चुनौती आई है। और जी ये रिसीवर्स हैं, स्टूडेंट्स, स्कूल वाले, वो स्टूडेंट्स या वो यंगस्टर्स जो डिग्री के बीच में हैं, और तीसरा हिस्सा वो जो नौकरियों की तरफ जाने वाले हैं। इन्हीं के राइट पैरेलल टीचर्स को भी चुनौतियां आई। तो मैं जी इसको देखता हूँ, है चुनौतियों का दौर है, और मैं इसको मुश्किल के रूप में तो नहीं देखूंगा। देखिए, क्योंकि हमें हिम्मत से खड़े रहना है, काम करना है, जितना हो सके मैं कहूँ कम से कम नुकसान के साथ ये समय काटना है। राइट तो चुनौती गंभीर है परंतु हम्म समाधान है, जैसा कि हम इस चर्चा जी में चाहेंगे कि हम कुछ कुछ हिंट्स, कुछ रास्ता निकाल भी पाएं। जी जी बिल्कुल जी। प्रवीण सर, स्टूडेंट्स जो हैं, सरकार भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही है, टीचर्स उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद स्टूडेंट जो आज का जिस तरीके से आपने बताया कि वो टेक सेवी है, उसे ज़्यादा डिजिटल चीज़ों का पता है क्योंकि वो मोबाइल फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली है। लेकिन जो स्टडी मटेरियल है वो कई बार जो है इंटरनेट पे उस तरीके का रेलिवेंट जो है वो नहीं मिल पा रहा। जो क्लासरूम का एक माहौल होता है, जो क्लास में एग्जाम्पल्स दे के पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से चीजें फिजिकली सामने होती हैं, लेकिन वो माहौल तो खैर नहीं है, लेकिन स्टडी मटेरियल भी इंटरनेट पे उतना अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे जी, में और रास्ते क्या अपनाए जा सकते हैं? रास्तों की देखिए बात आती है, तो रास्ते ये मैं मानता हूं कि हमारे आसपास ही होते हैं। वो आसपास में कैसे हैं कि हमारे टीचर्स हमें कंटेंट भेज रहे हैं, हमें ये मानना पड़ेगा कि टेक्निकली वो भी एक चैलेंज्ड हिस्से में हैं, क्योंकि उस तरह की हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं रही। जी परंतु हमारे पास जो मैटर अपने टीचर्स के जरिए आ रहा है, वो भी उसको कहीं ना कहीं से क्यूरेट कर रहे हैं, चाहे वो वेब से उसको ले रहे हैं, चाहे वो उसको क्रिएट कर रहे हैं। अब बच्चे के पास जी जा रहा है तो सर उसके पास फिर से दो चुनौतियां हैं। पहली, उसका उतना मैच्योर ना होना कंटेंट की क्वालिटी के एनालिसिस के लिए। दूसरा, इंटरनेट का कम होना, क्योंकि अब गांव देहात का बच्चा भी हमारे पास है, तो सब जगह अब इंटरनेट के लिमिटेशन भी आ रही है बच्चे के लिए, और सही रिसोर्स को चुनने की भी है। तो मैं ये जी सलाह देना चाहूंगा, जो हमारे टीचर्स की तरफ से मटेरियल्स आ रहे हैं, देखिए वो गाइडलाइंस के अंतर्गत हैं, तो उम्मीद है कि वो उसको सोच समझ के ही भेज रहे होंगे, परंतु लिमिटेशन के साथ आ रहे हैं। तो जी इंटरनेट पर बहुत सारे, मैं इसमें ये कहूं कि बताने की चीजों में सबसे पहले अगर मैं बताऊं, एक एक टर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जिसको आप जी OERS के रूप में आपने बताया जी सबको। जी जो जी 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 ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, उनका ये मतलब होता है कि वो एजुकेशन के लिए ओपनली पूरी दुनिया उनको तैयार करके बांटती है। तो ओके साथियों को ये चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों को, कि वो OERS ढूंढें। OERS का मतलब है, जैसे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज में कंटेंट मिलता है जो बांटने के लिए बनता है। एक यूनिवर्सिटी है, अनिल मैं बताना चाहूंगा, OERU, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यूनिवर्सिटी है, जी और मैं उसका हिस्सा भी हूँ। तो उसमें ओके उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, मैनेजमेंट हो, सोशल साइंसेज हो, लैंग्वेजेस हो, तो सबका जी मटेरियल उस पर उपलब्ध है। एक तो मैं OERU का जिक्र आपसे किया, इसी जी तरह से एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का प्लेटफॉर्म है OER Commons, उसको हम लोग OER Commons OER बोलते हैं, कॉमन्स राइट जी जी कॉमन्स। जी उस पे भी मटेरियल अवेलेबल है, ये रिलायबल है और कुछ चुनिंदा है। मैं अगर आपको जल्दी से ये बताऊं चीजें, क्योंकि आप हर जगह नहीं ढूंढ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट उस दुकान की तरह है, उस शॉपिंग मॉल की तरह है, जहां पे सामान रख दिया गया है। आप अगर चुनने जी वाले हैं तो आपको परिपक्वता के साथ और सावधानी के साथ उसको चुनना पड़ेगा, क्योंकि उस पर मटेरियल मैं भी डाल सकता हूँ, कोई दूसरा इंसान भी डाल सकता है। तो जी टाइटल चाहे उसका मैथमेटिक्स हो, जी आपको वो समझ डेवलप करनी पड़ेगी रिलेट करने की। उसको हम लोग इंटरनेट मेच्योरिटी के नाम से जानते हैं। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि ऑनलाइन जो ORS सिस्टम जो आपने बताया, उसमें यूनिवर्सिटीज भी हैं, उसमें ओपन सोर्सेज भी हैं, जो एक अच्छा और रेलेवेंट जो है मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन कोर्सेज की जो है फ्लड आया हुआ है। आप देखेंगे, अगर आपने जी फेसबुक जी ओपन किया, ट्विटर ओपन किया, आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, तो
तुरंत बहुत सारे एड फ्लैशेस होते हैं जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सेज डाल रही हैं। तो ऐसे में ये भी न्यूज है कि इस दौर में साइबर जो क्राइम है वो भी बढ़ रहा है और ऑनलाइन कोर्सेज के नाम पे ठगी हो रही है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए अभी जैसे एक एक बात मैं सबको क्लियर करना चाहूँ कि जैसे हम लोग अभी क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन पे चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, उसको एक समाधान के रूप में देख रहे हैं और उसको अच्छे से कैसे प्रयोग किया जाए उस पर बात कर रहे हैं। एक चीज हम सबको क्लियर होनी चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो बूम है, जो राइज है, वो कोविड की वजह से या लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल नहीं आया है, वो चल रहा था। तो जी वो ऑलरेडी अपना था। वर्चुअल, हाँ वर्चुअल टीचिंग ऑलरेडी राइज पे थी, और वर्चुअल टीचिंग को अनिल इसको रियल टीचिंग की रेप्लिका के रूप में देखा जाए, ना कि ये कि उसकी डेथ के रूप में देखा जाए, कि हम एक आइडेंटिकल चीज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि सब चीजें डल जाएं, जैसे कक्षा में जी सब चीजें डलती हैं उसमें डलें। अब ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहिए गवर्नमेंट का स्वयं भी है, उसके बाद में तमाम IITs भी अपने कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, उसमें कुछ इस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। एक मैंने आपको OERU का बताया जो है, जी OERU जी के अलावा मैं अगर एक लिस्ट बताऊं साथियों को, एक एडेक्स नाम का प्लेटफॉर्म है, EDX, एक जी कोर्स इरा नाम का प्लेटफॉर्म है, COURCOURSERA, और इनमें जो MIT, हार्वर्ड और ये सब यूनिवर्सिटीज हैं, कोर्सेरा भी है, एडेक्स भी है, उसके अलावा एक एक वेबसाइट है मूक्स सेंट्रल, जी ये गूगल पे सर्च करने पे मिल जाती है। उसके अलावा गूगल भी अपने कोर्सेज लेकर आया है, तो जिनके बारे में आपको पहले से सुना हुआ है, आपने इंस्टीट्यूट्स के बारे में सुना हुआ है, आप उन्हीं के ऑनलाइन कोर्सेज करें पहली बात। दूसरी बात, मैं जी युवाओं को एक अनुरोध करना चाहूंगा अनिल, ये बड़ा जरूरी है, और मेरे साथ ही टीचर्स को भी मैं करना चाहूँ, हम लोगों को इस वक्त सर्टिफिकेट्स के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, क्योंकि असल में हम जी लोग सोचते हैं कि ये 500 रुपए का है, इसका सर्टिफिकेट ले लेते हैं और रिज्यूमे में काम आएगा या फिर किसी और प्रमोशन में काम आएगा। ये मान के चलें कि आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स का जो बंडल बनाएंगे वो निर्भर इसी चीज पे करेगा कि वो किसने ऑफर किया है, वो संस्थान कितना रेप्यूटेड है, संस्थान देखा जाए उसमें, और उसके जी बाद में उससे आपने सीखा क्या जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जब आप जी इसको चुनते हैं, मूक सेंट्रल मैंने आपको बताया, कोर्सेरा है, एडेक्स है, फ्यूचर लर्न है, उसके बाद जो जी HP है जिसके लैपटॉप प्रिंटर हम यूज करते हैं, HP जी का एक HP एडकास्ट क्लाउड नाम से, HP एडकास्ट क्लाउड नाम से एक बड़ा प्यारा प्लेटफॉर्म है, मेरे तमाम स्टूडेंट्स ने सैकड़ों की संख्या में कोर्सेज किए हैं, वो एक एक घंटे के कोर्सेज हैं। आप कोर्सेज करें स्किल इनहांसमेंट के लिए, जी कोर्सेज डिग्री का ऑल्टरनेटिव की तरह ना करें। आप कोर्सेरा ने क्या किया, कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने जो ये कोर्स ऑफर करते थे फ्री में कोर्सेज देने शुरू कर दिए हैं अनिल, जो जी कोर्स जी 2,500-6,000 रुपए के थे वो हमारे साथ ही ढूंढें, तो फ्यूचर लर्न है उसमें, उसमें एडेक्स भी है, उसमें कोर्सेरा भी है, उसमें मूक सेंट्रल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको और तरह के मूक्स मिलेंगे, उसमें OERU है जो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज यूनिवर्सिटी है, इनके कोर्सेज फ्री हैं, रेप्यूटेड हैं, दुनिया के अच्छे जी लोगों ने बनाए हैं, यहां से किए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। किसी भी एरे गैरे का कोर्स करने से पहले, फेसबुक के जरिए कुछ भी करने से पहले ध्यान रखें वो बेचे गए जी कोर्स हैं, ऑफर किए गए कोर्सेज नहीं है, तो थोड़ा सा जी जी जांच जी लें कि आप उसका प्रयोग अच्छा करें तो ही करें, नहीं तो ना करें। फ्री में बहुत अच्छे कोर्सेज उपलब्ध हैं। जी 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 प्रवीण सर, जो लोग, जो बच्चे, जो विद्यार्थी इस जो साल जो है अपनी डिग्री पूरी कर चुके हैं और जॉब की तलाश में थे, और फिलहाल चूंकि कोरोना का ये समय आया और लॉकडाउन हो गया, तो वो अब घर पे हैं और वो जॉब की जी तलाश में इंटरनेट पे और इधर उधर जो है अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, उनके लिए आपके क्या सुझाव है? देखिए उनको डरने की जरूरत नहीं है, खास बात यह है जी कि क्योंकि नौकरियां अगर किसी को भी नहीं मिल रही हैं तो किसी को भी नहीं मिल रही हैं, ऐसा है नहीं है कि दुनिया में किसी हिस्से में ऐसा है कि वहां के लोगों को लाके नौकरियां दी जा रही हैं, तो ये लिमिटेशन सबके ऊपर आ गई है, बंधन मजबूरी। आप लोग घर पे जी रह के क्या चीजें तैयार कर सकते हैं, जो साथी सुने फाइनल ईयर्स के लोग हैं या प्री फाइनल भी है जिनको नौकरियां करनी थी, वो ग्रेजुएशन के बाद के हिस्से हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, बीटेक के हों, MBA के हों, आप घर पे रह के जी ऑनलाइन उन प्लेटफॉर्म से जुड़े जहां पे अपस्किलिंग हो, मैं ये वर्ड यूज करूंगा अपस्किलिंग, अपस्किलिंग मतलब जो स्किल पहले से है उसका इनहांसमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट आपकी हो चुकी है, आप अपस्किलिंग के जी कोर्सेज करें। जैसे आप प्रोग्रामिंग अगर करते थे, आप बीटेक कंप्यूटर साइंस के हैं या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या आप सिविल के भी हैं, आप क्यों नहीं सॉफ्टवेयर्स को, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, इनको सीखने के कोर्सेज करें, और गूगल अपना ऑफर कर रहा है कोर्सेज, कोर्सेरा और ये लोग मैंने बताया अच्छे इंस्टीट्यूशन से, एक एक महीने के 4-4 हफ्ते के कोर्सेज आप करिए, उससे क्या होगा आपका जी प्रोफेशनल प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, पहली बात आप टच में रहेंगे,
दूसरा अपने साथियों के साथ मिलके ऑनलाइन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें, चाहे कोई भी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दोस्त में एमबीए में भी होते हैं, सब में होते हैं, आप उस तरह से ऑनलाइन में कोई प्लेटफॉर्म डेवलप करें जिससे कि आप कल को जब कंपनी के सामने रिज्यूमे रखें तो अनिल लॉकडाउन में क्या आपने सीखा, सबसे बड़ी बात ये रहेगी। ये मैं ये जरूर कहूंगा इनको जो फाइनल ईयर के हैं कि अगर लॉकडाउन में से आप कुछ अच्छा लेकर नहीं निकले तो ये निश्चित रूप से आपकी नीयत पे सवाल रखने वाली बात हो जाती है। आप लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, LinkedIn.com, जी जी LinkedIn.com, ये एक प्रोफेशनल जी वेबसाइट है, जैसे सोशल मीडिया का फेसबुक है पर्सनल के लिए। आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं, अच्छा सा अकाउंट बनाएं, उससे रिज्यूमे जनरेट हो जाता है आपका बहुत अच्छा सा। आप उस पर उन कंपनीज के लोगों से जुड़ें जहां पे आपके टारगेट जॉब्स हैं, आप वहां इंटरेक्शन शुरू करें। अनिल क्या होता जी है, फेसबुक पे लोग अपनी टेरिटरी में नहीं आने देते हैं कई बार कि ये मेरा पर्सनल है, लेकिन जी लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, अच्छे प्रोफाइल को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, आपके उनसे कनेक्शंस बनेंगे, दोस्त नहीं बनेंगे, कनेक्शंस बनेंगे, आप उनसे कम्युनिकेशन शुरू करें, एक तो ये हिस्सा हो जाता है। उसके जी बाद पहला हिस्सा मैंने आपको बताया कि वो अपस्किलिंग करें, दूसरा लिंक्डइन पे भी जाएं और नौकरी.com, timesjobs.com, शाइन और इस तरह से और बहुत सारे, फर्स्ट नौकरी की तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वहां अपने आपको एनरोल करें और उनपे अपना अच्छा से रिज्यूमे अपडेट करके उस पर डालते रहें ताकि जी कंपनीज के पास उनका रिज्यूमे जाए। इसमें ट्रिक जी है अनिल समझने वाली, जो यूज करते हुए पता चली कि जब आप उस पे जाते हो तो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं नौकरी.com से, आपको पता जी चलता है आपकी आपको कौन सी कंपनीज नौकरियां दे सकती हैं, आपको अपने एम्प्लॉयर्स के नाम पता चलेंगे, उन लोगों के जी एचआर के लोगों के, दो दो बातें हमारी ये होती हैं। ठीक, जी जी तीसरी जी बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं कहूँ वो अपनी बोलने की स्किल्स पे, लिखने की स्किल्स पे, सुनने की, पढ़ने की स्किल्स पे काम करें। ये तीन चीजें वो जी लोग जरूर करें और निश्चित रूप से एम्प्लॉयर्स को एक अच्छे प्रोफाइल के साथ जब प्रस्तुत करेंगे तो जॉब्स भी उनके पास रहेंगी। एक एक और बात जोड़ना चाहूंगा, ऑनलाइन जी ट्रेनिंग्स, जी ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स कहीं से कर सकते हैं तो इस वक्त जरूर कोशिश करें। आप किसी गांव में भी हैं ऑनलाइन, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप उस तरह से संस्थाओं से जुड़ें जो आपके पास हैं। क्यों, आपका जो जुड़ाव आपके रिज्यूमे में नजर आएगा, एम्प्लॉयर उसको सराहेगा। आप ये मत सोचें कि आप सीधा सीधा नासा के साथ ही कर पाएंगे या विप्रो के साथ ही कर पाएंगे, आप अपने गांव जी के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि हमें सुनने वाले हमारे साथी हरियाणा में भी होंगे, पंजाब में भी, जो जी हमारे आसपास सब लोग होंगे, आप इस तरह से हर वो काम करें जो आपको लगता है कि आपके प्रोफाइल को एक अच्छा इंसान प्लस एक अच्छा प्रोफेशनल बना सकता है फाइनल ईयर वाले लोगों के लिए। जी 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 हाँ, प्रवीण सर, आपने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए काफी चीजें बताई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उन लोगों की भी बात करना चाहूंगा जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं, तो वो भी आजकल ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढ रहे हैं कि खाली जी हैं, 2 घंटे 4 घंटे उनके पास समय निकल रहा है, तो वो उस समय को अपस्किल के लिए, मैं वर्ड यूज करूंगा, अपस्किल के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? देखिए, जो जॉब पे हैं या जो फाइनल ईयर में कोई भी, मैं सबसे जरूरी कहूँ रीडिंग ना छोड़ें कोई भी, पढ़ना, जी जो किताब है ना, आजकल हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं अनिल जो फ्री में आपको रीडिंग कराती हैं, एक archive.org है और जी बहुत सारे ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए चाहे वो गवर्नमेंट का हो, ई पाठशाला, ई पीजी पाठशाला, NROER है, इन सब से आप कंटेंट लें पढ़ने के लिए, PDFs मिलती हैं आपको, रिसर्च पेपर्स मिलते हैं। और मैं जब रिसर्च पेपर्स कहता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ टीचर्स के लिए है वो या PhD करने वालों के लिए। आप नई जी टेक्नोलॉजीज को, जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं या किसी भी फील्ड के लोग हैं अनिल, चाहे वो MA इंग्लिश कर रहे हो, चाहे हिंदी कर रहे हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, मीडिया पढ़ रहे हो, आप जी रिसर्चेस को पढ़ें कि आपके सब्जेक्ट में जब आपने नौकरी ज्वाइन कर ली और आप तो नौकरी में चले गए, उसके जी बाद आपने नहीं पढ़ा, आप उसको पढ़ें कि और क्या क्या नया हो गया है। एक तो ये हिस्सा है, दूसरा हिस्सा अनिल चुनौती का हिस्सा है, जो मैं ये कहूं नौकरियों में कमी आ सकती है, ये एक जी सच्चाई है अभी। तो मेरे जितने भी साथी अभी जॉब्स में हैं और उनको 5 साल हुए हैं मान लीजिए लगभग, तो इसका मतलब अभी करियर डिफाइन होना बाकी है, बहुत अच्छी सेटलमेंट अभी बाकी है। आप लोग जी ऑल्टरनेटिव करियर सोचना शुरू करें, ऑल्टरनेटिव करियर का आप ये सोच लें जैसे दूध की डेयरी होती है ना, उसके पास पनीर भी होता है, लस्सी भी होती है, मक्खन भी होता है, घी भी होता है, तो वो उसके पास जी इतने ऑल्टरनेटिव हैं, आप क्यों नहीं एक ऑल्टरनेटिव रखें, उस दायरे से बाहर निकल आइए कि कंप्यूटर वाला जो इंसान है वो ब्लॉगिंग नहीं कर सकता, कंप्यूटर वाला जो जी इंसान जी है वो कास्टिंग नहीं कर सकता, कंप्यूटर वाला इंसान कुकिंग का कोई शो नहीं चला सकता, या कंप्यूटर वाला इंसान एक छोटी सी दुकान या कुछ ऐसी चीज नहीं सोच सकता है। एक एक विकल्प रखें और वो विकल्प आपकी समझ और स्किल, कौशल के हिसाब से हो,
उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सुरक्षा महसूस होगी। और इस सुरक्षा के जी लिए जो जिन्होंने नई नौकरियां ज्वाइन की हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा, गुजारिश है आपसे, बिना घबराए आप अपनी अपस्किलिंग को, ऑनलाइन कोर्सेज को, वही ऑनलाइन कोर्स जो दूसरे लोगों ने करने हैं वो आपने भी करने हैं। एचपी के जो कोर्सेज हैं अनिल, वो असल में उनके जी लिए हैं जो नौकरी पर हैं। मान जी लीजिए कि जी प्रेजेंटेशन स्किल सीखना है, मान लीजिए कि आपको कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सीखना है, मान लीजिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो कंपनीज मल्टी स्किल चाहती हैं, नौकरियां उन्हीं लोगों की बहुत अच्छे से सुरक्षित रहेंगी जिनको ज्यादा चीजें आती होंगी। तो मल्टी जी स्किल होने के जी लिए सुनहरा मौका है, सुनहरा भी ये कहें कि अंधेरे में सुनहरा मौका है, मुश्किल समय में वो लोग भी ऑनलाइन कोर्सेज करें, रीडिंग करें, वो भी अपना नेटवर्क बढ़ाएं। जितना अच्छा अपना नेटवर्क होगा उस नेटवर्क को बढ़ाएं, क्योंकि वो उनके बहुत काम आने वाला है आगे। और जी फ्रीलांसिंग को, जो फ्रीलांसिंग है उसको एज एन ऑल्टरनेटिव करियर सोचना शुरू करें, मैं ये गुजारिश करूंगा सभी से। जी एक प्रवीण सर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अल्टरनेटिव सोचना बहुत जरूरी है मौजूदा टाइम में। हो सकता है कि आपको ड्रीम जॉब मिलने में टाइम लग जाए, या जो आप सोच रहे हैं उसमें अभी थोड़ा और वक्त लगे, लेकिन उसके साथ आपको जीवन के लिए, जीने के लिए, कमाने के लिए आपको अल्टरनेटिव सोचने की ज्यादा जरूरत है, जी उसको सोच के रखना बहुत जरूरी है। मैं इसी पर, मेरा एक एक पॉइंट ये है, आप इसको सवाल के तौर पर ले सकते हैं कि क्या जो मौजूदा दौर में प्राइवेट जॉब्स हैं, वो किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, उनमें थोड़ी अनसर्टेनिटी है। वो कुछ लोग जॉब से निकाल भी दिए गए हैं, कईयों की सैलरी कम कर दी गई है, तो ये जो अभी तक चीजें आ रही हैं, ये अनसर्टेन है, ये कब तक चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। उस दौर में आप उन्हें भी क्या सजेस्ट करेंगे, जो लोग जॉब छोड़ चुके हैं या जिनकी जॉब उनको लगता है कि जा सकती है? जी अनिल, देखो इसमें ना एक सच्चाई है, वो पूरी दुनिया की सच्चाई है कि नौकरियों का रहना और जो सब चीजें हैं वो एक एक अलग डोमेन पे डिपेंड करता है, कंपनीज पे करता है। तो हम लोग इस सवाल पे नहीं जा सकते कि ये एथिकल है कि अनएथिकल है कि किसी को नौकरी पे जी रखा जाए निकाला जाए। जी हाँ, जी हमें सक्षम होकर रहना है, उसका हिस्सा क्या है, मैं अगर आपको उदाहरण दे दे के ये चीजें बताऊं। अब गवर्नमेंट जो है बहुत पैसा देती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जो कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन होता है अनिल, आप मीडिया से हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि अगर जी मान लीजिए कि हमारे जो क्षेत्र रहे, बागड़ी भाषा बोली, हरियाणवी भाषा बोली, हरियाणवी अलग अलग तरह की, पंजाबी अलग अलग तरह की, इनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए सच में लोग नहीं हैं। हमारे हमारे युवा ये सोचते हैं कि साइंस के अलावा, इंजीनियरिंग के अलावा नौकरियां ही नहीं है। तो मैं अगर नौकरी आपको नहीं, बताऊं, राइट एक शब्द है पॉडकास्टिंग, एक डोमेन है जी पॉडकास्टिंग। जैसे आपने देखा YouTube पे बाढ़ आ गई है, यूट्यूबर्स इतने हो गए और सब लोगों को नशा चढ़ गया ये कि YouTube पे जाएंगे, एड आएगी तो पैसा आएगा, एड आएगी तो पैसा जी आएगा। और ऐसा आएगा। Instagram पे इन्फ्लुएंसर का रहा कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, फिर आप लोगों से लेते हैं पैसे और उनकी एडवर्टीजमेंट अपने पेज पर करते हैं, आपके 1 लाख फॉलोअर्स को वो जाती है। फिर लोगों जी ने ये, और ये ऑल्टरनेटिव कामयाब है लोगों के, ब्लॉगिंग नाम की चीज है अनिल, 15,000 से 1 लाख रुपए अनिल मेरे अपने नेटवर्क में मेरे अपने स्टूडेंट्स को मिले हैं, जब उन्होंने एक 800 शब्दों का ब्लॉग लिखा और वो जीते तो 1 लाख रुपए का इनाम भी उन्हें मिला, उन्हें कैमरास भी मिले, चाहे महिंद्रा हो चाहे टाटा हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो, उनको बुला के कहते हैं कि आप हमारा खाना रिव्यू करें, गाड़ी रिव्यू रिव्यू करके जाए। जी तो आप ये जी सोचिए कि जी रिव्यूज आप पढ़ते हैं तो वो तो सामने पड़ा है डोमेन। काउंसलिंग एक बहुत अच्छा है, एक सोशल सर्विस जो है लालच से और स्वार्थ से ना की जाए तो वो एक बहुत अच्छा करियर है, आप उसमें जा जी सकते हो। आप ऑनलाइन ट्रांसलेशन, जो साथी छोड़ दीजिए एमए इंग्लिश और एमए हिंदी का डोमेन या पंजाबी का, कोई भी जिसकी भाषा पे पकड़ है वो ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है, खूब पैसा है उसमें। और ट्रांसलेशन किसी भी जी भाषा से किसी भी भाषा में करने का दौर चला हुआ है। तो पॉडकास्टिंग करें, मतलब अपना एक ऑनलाइन रेडियो चलाएं, आप अपने गाँव में भी उसको चला सकते हैं। आप, मैं ये एक 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 चेतावनी मैं देना चाहूंगा अपनी समझ से, कि कोई भी साथी हड़बड़ी में जल्दबाजी में गवर्नमेंट के लोन की तरफ इस तरह से ना भागे कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा तो मैं पैसे लेके कुछ शुरू कर दूं जिसके लिए मेरी जी तैयारी ना हुई। तो आप वैसा जी बोझ जी मत डाल जी लीजिएगा, कछुए की तरह चलें क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पता है, तो हड़बड़ी ना करें। और ऑल्टरनेटिव करियर में पॉडकास्टिंग है, रेडियो चलाइए अपना, आप ऑनलाइन रेडियो चलाइए, ब्लॉगिंग करिए, उसके पैसे मिलते हैं, आप फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आप सोशल सर्विस कर सकते हैं, ये तमाम तरह की चीजें हैं अनिल जो ऑल्टरनेटिव करियर्स में समझी जा सकती हैं। आप कुकिंग भी कर सकते हैं, सिखाना किसी जी को, ट्यूटोरियल बना सकते हैं, ये सब चीजें हो जी सकती हैं जी अनिल जी ऑल्टरनेटिव। जी 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 प्रवीण जी, आप जो है कम्युनिकेशन फील्ड के माहिर हैं, तो इस मौजूदा समय में लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं,
क्योंकि ये तो हर फील्ड में काम आने वाली चीज है, तो जी वो हाँ कम्युनिकेशन अपने जो स्किल्स हैं उनको और तैयार करने के लिए और अच्छा करने के लिए आप क्या? है, चाहे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है मैं यूं कहूँ फिर, जी और इंग्लिश में लोग सोचते हैं कि इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स एक जैसी चीजें हैं, तो मैं ये बताना चाहूँ कि एक तो पहली बात, हम अंग्रेजी को एज ए कमोडिटी, बिकने वाली चीज सोचना बंद करें। वो आपको भी पता है मुझे भी, कि आज अगर फ्रेंच स्पेनिश जर्मन आती हो तो आप वहां जाके भी अच्छे करियर बना सकते हैं, आपको चाइनीज आती हो, आपको पंजाबी आती हो तो आप पंजाब में पैसे कमा सकते हैं, नौकरी अच्छे से कर सकते हैं। तो अंग्रेजी एक भाषा है जो वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रयोग की जाती है, अंग्रेजी जी अकेली भाषा नहीं। तो जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूं तो आपको कोई भी भाषा, एक दो भाषाएं आपको अच्छे से आनी चाहिए। भाषा जी आएगी तो आप वो, दो दो चीजें होती हैं इसमें, किसी भी लैंग्वेज को आना उसकी प्रैक्टिस और उसकी पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है। आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं और लोगों के साथ जी भागीदारी करते हैं जो उस भाषा को बोलते हैं। अब मैं इसको क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अनिल कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोग ना एक सीक्वेंस बताते हैं चार स्किल्स का, वो क्या रहती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। जी मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स को बनाने का, पढ़ाने का, लैंग्वेज सीखने का तरीका, स्किल अगर कोई है तो वो है पहले लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, जी उसके बाद आप लिसनिंग स्पीकिंग जब कर लेते हो फिर आप रीडिंग करते हो फिर आप राइटिंग करते हो। तो हम लोग कई बार ये जी सोचते हैं ना कि जैसे अपने यहाँ देखो आईलेट्स के सेंटर्स हैं, एक फोबिया सा रहता है, एक अट्रैक्शन रहता है, फैसिनेशन की, जी आईलेट्स करेंगे, वीजा लगेगा, दूसरे देश में जाएंगे, वो सब चीजों में हम लोग क्या करते हैं, रिसेप्टिविटी किल करते हैं, हम अपनी तरफ आने तो नहीं देते हैं चीजों को, बस उनकी तरफ दौड़ते हैं। जैसे हम स्पीकिंग करना चाहेंगे, राइटिंग करना चाहेंगे, लेकिन हम रीडिंग भी नहीं करेंगे, हम लोग लिसनिंग भी नहीं करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप अच्छा सुनेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे, आप अच्छा जी पढ़ेंगे तो आप अच्छा लिखेंगे। इससे ज्यादा सीधा सिद्धांत कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने का नहीं बना है। नहीं लिसनिंग, जी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग स्पीकिंग तो घर पे हो जाती है, बच्चा घर पे प्रोनाउंसिएशन सीखता है, फिर उसको दोहराना शुरू करता जी है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो रीडिंग करता है, फिर वो राइटिंग करता है। अब बढ़ाने के तरीके, नुस्खे अगर आप मुझसे पूछें, आप क्या करें, आप सुने, आप जितना अच्छा सा सुनेंगे उतना अच्छा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। अब जी आई बात ये कि आपने भी सुना होगा, आपके दौर में भी बच्चों को बताया जाता था, मेरे दौर में भी, कि आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूंगा इसको छोड़ दें, आप अपने फोन में अपना ऑडियो रिकॉर्ड करें, अपने जी ऑडियो को फिर से सुने, आप अपने सबसे अच्छे समीक्षक हैं, आप अपना फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करें, आप उसको सुने। आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो कई बार आप अपने आप को रियायत देते हैं, आप अपने आप को जी डॉक्यूमेंट करें, तीन चार दोस्तों का एक सर्कल बनाएं और उनको ये कहें कि किसी भी भाषा को, मान लीजिए अंग्रेजी को हम यूं ले लें कि अंग्रेजी से ज्यादा स्कोप बनता है, इसको चुनौती की तरह ना लें, सीख लें। जितना अच्छा आप लिसनिंग करेंगे अनिल, जितना अच्छा रीडिंग करेंगे, बोलना तो निकल आएगा। निकल अगर मैं आएगा कहूं कि मुझे पंजाबी आती है तो मैं, अब मेरे घर में हरियाणवी बोली जाए तो मैं यहाँ पंजाबी नहीं बोल सकता, परंतु मैं पढ़ता हूँ, मैं उसको सुनता हूँ, तो जी जब मैं पंजाब जाऊंगा तो ये इंसान का एक सबसे बड़ा गुण है कि सीखा हुआ जरूरत के समय बाहर निकल आता है, चाहे वो हनुमान जी का उड़ना हो, चाहे वो अभिमन्यु का उस चक्रव्यूह में जाना हो। तो आप लोग जी पढ़ें, आप लोग अंग्रेजी की प्रोनंसिएशंस को चेक करें, उसको जी बिगाड़ें ना, परंतु जितना जितना अच्छा आप उसको कर पाए उतना अच्छा करने की कोशिश करें। आप ऑनलाइन जी फोरम्स, ये ऑनलाइन फोरम्स कोरा है और शिक्षा.com जैसे कुछ फोरम्स हैं, वहां पे सवाल जवाब होते हैं, वहां थोड़ा आप भागीदारी करें। एक रिसोर्स बताऊंगा अनिल मैं, grammarly.com नाम की एक वेबसाइट है, grammarly.com, जी जी ग्रामर के आगे ly.com, जो साथी अंग्रेजी में लिखते हैं वो इसको यूज करें ग्रामर चेकिंग के लिए, लगभग जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अच्छा रिसोर्स बन जाता है ये। आप ऑडियोज रिकॉर्ड करें, पॉडकास्टिंग करें, निखरेंगे, आप लिखना शुरू करें, उसको अपने साथियों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करें, और परफेक्ट के चक्कर में, मेरा कोई भी साथी परफेक्ट पाने के चक्कर में अपना एवरेज डिले ना करे, आप जी शनै शनै ही सीखेंगे। जितना आता है आप उसको बांटना शुरू करें, एक बात। दूसरी बात, जिस भाषा में आता है ना आप उस भाषा में पारंगत हो जाइए, अंग्रेजी भाषा हो, फ्रेंच, जर्मन हो, अपने आप आपकी तरफ दौड़ के आएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक लैंग्वेज में, एक स्किल में अच्छे हो जाइए, दूसरी स्किल्स अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये मैं जी सलाह दे सकता हूँ। जी जी प्रवीण सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि चूंकि आप खुद एक अध्यापक हैं और मौजूदा समय में जो भी अध्यापक वर्ग का व्यक्ति है वो घर पे है, और बहुत से लोग मुझे जो मेरे सर्कल में है या जिनसे बातचीत होती है, तो वो कुछ ना कुछ घर पे कर रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, ताकि वो चाहता है कि जब लॉकडाउन खुले या स्थितियां नॉर्मल हों वो वापस स्कूल में जाए तो बच्चों को कुछ अच्छा दे पाए।
जी वो लोग जो घर पे सीख रहे हैं और वो लोग जो नहीं सीख रहे, जो इस टाइम को आप कहें कि पास कर रहे हैं, दोनों के लिए जी आपके क्या एडवाइस हैं, क्या एडवाइस है दोनों के लिए? देखिए, बात वो आती है ना कि फिर प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। तो इस वक्त तो बात यह है कि कुआं भी आप ही हैं और प्यासे भी आप ही हैं, क्योंकि बाहर आप जा नहीं सकते हैं। जा नहीं अब सकते, राइट सर, इसमें दो, हाँ इसमें दो बातें हैं। देखिए, जब हमारे तमाम कलाकार, मतलब इतना अच्छा हुआ है ये चीज कि सभी कलाकार, जो चाहे सिंगर रहे हों, लेखक हों, सब लोग ऑनलाइन आके अपने सेशंस करते हैं। तो हमारे जितने साथी हैं, ये ध्यान रखें कि वर्चुअल का मतलब नकली नहीं सोचें, कि वर्चुअल का मतलब फेक नहीं है। ऑनलाइन जब आप जी अपनी रेपुटेशन को बनाएंगे ना अनिल, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट जो है आप करेंगे, आप अपना रिज्यूमे ऑनलाइन डालेंगे, आप अपने पॉडकास्ट ऑनलाइन डालेंगे, अपने ब्लॉग ऑनलाइन डालेंगे, तो उससे आपकी डिजिटल प्रेजेंस बढ़ेगी। अनिल, ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में 25% कम से कम, चाहे टीचिंग हो चाहे जॉब्स हो, ऑनलाइन में शिफ्ट होने वाली है। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि ऑनलाइन जी डिग्रीज भी आने वाली हैं। तो हम सबके पास में छोटे बच्चे आसपास परिवार में, घर में होने वाले हैं, लोग हमसे पूछने आने वाले हैं। तो जितने साथी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो मैं ये कहूंगा कि अपने पुराने शौक, बचपन में अगर आपने कहानियां सुनी कही होंगी, तो आप उसको फिर से जीवित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हम लोग इंसान केवल मात्र सामाजिक जो एनिमल बने, हम सोशल एनिमल बने, सिर्फ इसलिए बने क्योंकि हम लोगों ने गुफा से बाहर निकलने की सोची, उस केव से बाहर निकलने की सोची। तो मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि अगर अभी तक भी आप लोगों को कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं मिले हैं, तो हमारी जो आज की बातचीत है, आप इसको एक बहाना बनाकर भी, एक बहाना मानकर भी जी जी कुछ करना शुरू करें। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं, वो कुछ जो है वो बहुत कुछ में बदल देना, कोई भी सुनने वाला हो, कोई भी इंसान हो, उसके लिए संभव है। नहीं जी जी प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि दर्शकों को, खास तौर पर विद्यार्थियों को और अध्यापन जो करते हैं अध्यापक, उनको इस जो चर्चा हमारी रही उससे बहुत फायदा होगा, और कहीं ना कहीं वो अपने स्किल को अपस्किल की ओर अब सोचेंगे, नए स्किल सीखने की ओर अब सोचेंगे। और उन्हें आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से भी बताए हैं कि कहाँ से आपको चीजें जो है रेलेवेंट चीजें मिल सकती हैं। आपने सच कहूं को अपना कीमती वक्त दिया प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, सभी को शुभकामनाएं, सभी स्वस्थ रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और सीखें। धन्यवाद अनिल। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।